बंगला तो मेरे पास गिरवी है, तू कैसे एग्रीमेंट बना लेगा? मैं आपसे वही बात करने के लिए आया था, पेपर आपके पास मॉर्गेज रखे हुए हैं, अगर आप ओरिजिनल पेपर दे दें तो मैं उसके फादर के साथ में मैं एग्रीमेंट कर लूँ। उसके फादर देखना चाह रहे हैं पेपर्स। बंगला तोड़ के जिम बना लेगा वहाँ पे? अरे नहीं नहीं, मैं कोई बंगला वंगला नहीं तोड़ रहा हूँ, मुझे कोई जिम नहीं बनाना है। वो तो ये है कि एक बार एग्रीमेंट साइन कर लूँ तो मुझे कुछ एडवांस मिल जाएगा, मैं आपको एडवांस ही EMI दे दूंगा। कि EMI की तलवार मेरे सर पर लटकी रहती है, कुछ कितने दिन हो गए मुझे कोई काम धंधा कुछ भी नहीं किया है, मैंने कब से खाली बैठा, आप तो देख ही रहे हो, थोड़ी हेल्प करो ना भाई। वो आकाश भाई ने बताया था कि आपको भी प्लान समझा दूं, बाद में कोई भसड़ ना हो। बहुत सिंपल प्लान है, पूरा बंगला तोड़ने वाला हूँ, पूरे सारे फॉरेन के मशीन रहेंगे। आकाश भाई सारी बातें पहले क्लियर हो जाए तो अच्छा है ना। पूरा बंगला तोड़ूंगा मैं, 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, सारी सिंगापुर से मशीन आनी है, और आप कहें तो हम कल से काम शुरू कर देते हैं इस पे। बंगला तो तोड़ लेना, मेरा 50 लाख रुपए कब डालेगा बैंक में? आपके अकाउंट में क्यों डालूंगा मैं? आप हो कौन? पूरा आइडिया मेरा है, जिम मैं ला रहा हूँ, आपके अकाउंट में पैसे क्यों डालूंगा? अरे यार मैं इनके अकाउंट में पैसे क्यों डालूंगा यार? आकाश भाई सारी बातें मैंने पहले ही क्लियर कर दी हैं। एग्रीमेंट मेरे साथ बनेगा ये। अरे तुम्हारे साथ एग्रीमेंट क्यों? अरे आकाश भाई मैं इनके साथ एग्रीमेंट क्यों करूंगा? भाई तुम्हें जरा भी नॉलेज है जिम के बारे में? तुम्हें 1% की नॉलेज है? सारे इक्विपमेंट्स मैं पहले लाऊं, तुम्हारे अकाउंट में पैसे भी डलवा दूं, मेरे हाथ में क्या आएगा? घंटा घंटा ही लाऊंगा मैं, मेरे माथे पे सील लिखा हुआ है, ये कौन सा चूतिया पा हुआ? पेपर इनके पास गिरवी है ना, तो इसलिए। इनके पास पेपर है तो मैं क्या करूं? अबे येड़ा समझ रखा क्या मुझे? तुम मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो? मेरे साथ? साला सिंगापुर से डंबल मंगवाया मैंने, डंबल गांड में घुसेड़ दूंगा। बेंचो जिम बनाएगा। जिमी अरे बात सुनना यार, अरे बात सुनना यार। बेंचो गांड में डंबल डाल दूंगा, क्या बात होती है बेंचो? अरे सुन यार, दे देना पैसे। क्या बाप के पैसे? मेरे बाप के पैसे? तुमने विक्की को देखा नहीं है? गिद्ध दिखता है गिद्ध, एक झपट्टा मारेगा और खेल खत्म। लेकिन आकाश सर तो अच्छे इंसान है ना, वो तो जेंटलमैन है। अरे मैं जानता हूँ आकाश भाई अच्छे आदमी हैं, ईमानदार हैं, वो सब ठीक है, मगर ये विक्की को देख ले यार, जिम खुलेगा नहीं और सारे पैसे खा जाएगा वो अलग। अरे वैसे ही लोग मुझे कहते हैं भोला है, बहुत भोला है, मतलब चूतिया है। उसके साथ काम करूंगा तो चूतिया का स्टैंप लग जाएगा मेरे साथ, और तुम इन सब लफड़ों में क्यों पड़ रही हो यार? तुम अपने करियर पे ध्यान दो, आकाश भाई के वैसे ही अलग पड़े हैं, उनका इस सिचुएशन से निकलना इम्पॉसिबल है। यू शुड मूव ऑन यार, कम ऑन, ग्रो अप। हाउ कैन आई मूव ऑन? मैं उन्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकती, उन्होंने इतना मेरा साथ दिया और अब मुझे देना है तो मैं छोड़ दूँ? आई कान बी दिस मीन यार। बारह साल की थी मैं जब एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप मर गए थे, सिर्फ इन्होंने मेरा साथ दिया, सारे रिश्तेदार भाग गए थे। हिज बीन अ परफेक्ट गार्जियन। देखो जिमी, तुम्हें विकी के साथ बिजनेस नहीं करना है तो मत करो ना यार, आकाश सर के साथ कुछ और कर लो जिसमें विकी इन्वॉल्व ना हो। I'll think about it. Please. मैं सोचता हूँ इसके बारे में, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बंगला बेच के मैं तो अपने पैसे कमा लूंगा, अगर तूने उस लड़की को जल्दी से पटा के धंधा शुरू नहीं किया तो तेरे लोड़े लगने वाले हैं। नहीं पट रही है यार मुझसे, क्या करूं यार बताओ।
कहाँ कहाँ सर? मेरी जिमी से बात हुई है, तो उसने कुछ तो प्लान किया है, कुछ सोचा है, कल शायद वो हमें कहीं लेके जाएगा, तो मैं बताती हूँ आपको। अबे मुझे इस लफड़े में क्यों डाल रहा है बे तू? भाई तुम मुझसे ना मार्केट से ना 5 गुना ज्यादा ब्याज लेते हो, थोड़ी तो हेल्प करो ना यार तुम। अबे तू देख कैसी एक्टिंग करता हूँ मैं, लांडिया को उठा के ले जाना यही डायलॉग बोलना है ना, निकलने से पहले कॉल कर दियो मुझे। यार विकी भाई मैं सब मत कर देना प्लीज, ओवर एक्टिंग मत करना, बहुत मुश्किल से वो माने। अरे बेफिक्र रह, कॉलेज में 3 साल थिएटर किया है मैंने। नहीं तुम्हें देख के लगता है मेरी मजाक उड़ा रहा है। अरे यार मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ तुम्हारा, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। देखो अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट होता है ना तो ही मैं तुम्हारा पैसा दे पाऊंगा, बिल्कुल क्लियरली ये बात सुन। चल फोन रख। लोनावला में एक रिजॉर्ट मिल रहा है, देख लेते हैं। अरे ये गाड़ी बीच में किसने रोक दी? अरे ये लोग इधर क्यों आ रहे हैं? क्या हो रहा है? ये तो विक्की है। देखो रिया मैं इसके विक्की के पैसे ना टाइम पे नहीं दे पाया, ये मुझे कितना भी मारे तुम बाहर मत आओ। आकाश सर आप क्यों बाहर जा रहे हो? आप बाहर मत जाओ ना, हम लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। आकाश सर बेंचोत पैसे नहीं देगा मेरे। विकी भाई मेरे पास सुनो, विकी भाई पैसे लेने आते हैं लेकिन पैसे देने नहीं आते। मेरे पास सुनो आकाश, छोड़ो विकी भाई, छोड़ो विकी भाई, छोड़ो विकी भाई, विकी भाई आपको हाथ में लगा रहा। विकी भाई मेरे पैसे छोड़ो, पीछे हो जा, छोड़ो उन्हें। तीस दिन के अंदर अगर पैसे नहीं दिए ना तो लौंडिया को उठा के ले जाएंगे। वो तुम्हारे बिना आगे मूव ऑन नहीं हो पाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई तरीका नहीं है। तुमने बंगला खड़ा कर दिया, कहाँ है तुम्हारे सारे पैसे अब? अरे यार मुझे भाषण किस बात के दे जा रहे हो यार तुम? लाखों करोड़ों रुपए कमाए मैंने। कैसे कमाए? कहाँ है तुम्हारे लाखों करोड़ रुपए? दिखाओ। करोड़ों रुपए नहीं है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इंडिया किसी को सिर्फ। मैं गोल्ड का बिजनेस करता था। मैं क्या बिजनेस? अलग अलग शहरों में गोल्ड लेके जाता था, एक शहर से दूसरे शहर। कहाँ है गोल्ड अब? नहीं कर सकता हूँ, पुलिस को शक है मेरे ऊपर, और अगर मैंने गलती से वो बिजनेस किया ना तो उसका असर रिया पर भी पड़ेगा। आ जाएगी पुलिस रिया को उठाने के लिए उसके पास भी। ये जो कुछ भी किया है, मेरी जो ये हालत हुई है 7 साल से रह रही है मेरे साथ, और नहीं कर पा रहा हूँ बिजनेस में, बोल भी नहीं सकता उसको। उसको पता नहीं चला अभी तक? नहीं पता चला, कौन बताता उसको? सिर्फ परेशानियां देख रही है मेरी, वो जिम्मेदारी है मेरी, गार्जियन हूँ उसको, नहीं बता सकता उसको ये सब। कोई रास्ता है निकलने का? है कोई तरीका तुम्हारे पास? देख एक तरीका है, तुम रिया को मना लो, रिया मान जाएगी। देखो उसमें एक लेडीज पार्टनर की जरूरत होती है, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कुछ नहीं करना है, एक शहर से माल लेके दूसरे शहर में डिलीवरी देनी। वो जो फीमेल के अंडरगार्मेंट्स होते हैं ना उसमें सोना छुपा के लेके जाते हैं। और कहीं फंस गई तो वो? अरे कहीं नहीं फंसेगी यार, और फंसी तो कुछ ले देकर छूट जाते हैं यार, कुछ नहीं होता है। जिम्मी ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इस बिजनेस की सारी जानकारी मुझे, सारी चेन मेरे पास में है, पुलिस का मुझ पर शक है, मैं नहीं कर सकता, तुम ये बिजनेस कर लो। देखो तुम जो जिम्मे पैसा लगा रहे हो ना, वो पैसा तुम इस बिजनेस में लगा दो, मैं तुमको लिख के दे देता हूँ, 2 महीने में ना 3-4 गुना हो जाएगा उसका।